तो भाई चलो फिर से हमारा एक कुवैत T20 एलाइट कप का मैच आ गया है और बेस्ट मैच होने वाला है ग्रैंड लीग के लिए। इस मैच में देखो सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट आपके 8 प्लेयर फिक्स हैं, उसके बाद 3 प्लेयर पे ही पूरा मैच चलेगा, ग्रैंड लीग सब कुछ चलेगा। तो देखो सबसे पहले इस मैच में देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी जो टीम खेल रही है उस हिसाब से, कुवैत अंडर 19 की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है तो चलो देखते हैं, वैसे ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही हैं, पहले कुवैत अंडर 19 के देखते हैं। देखो मैच जो है कंप्लीट बॉलर्स का मैच होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 20 ओवर का मैच है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मत किसी बैट्समैन से इस मैच में। अब देखो बॉलिंग सेक्शन से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लियाकत है, ठीक है, और ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा अच्छे मतलब प्लेयर्स हैं अब्बास शेरो, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। जय महेश कुमार को थोड़ी सी बॉलिंग कट जाती है या तो वो प्रेशर डालते हैं, मतलब इनका इकोनॉमी अच्छा है जय महेश कुमार का, लेकिन विकेट इन्हें नहीं मिलता है। अब देखो हम फिलहाल टॉप के 8 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा साइड में रख के चलेंगे। अब देखो कुछ प्लेयर हैं जो कि दूसरे मैचेज मतलब सेम टूर्नामेंट के हैं या फिर अलग एक टूर्नामेंट है, तो दोनों मिक्स करके कुछ प्लेयर इनमें से उसमें खेल रहे हैं, ठीक है, तो उनका अपडेट जो भी आएगा अगर वो खेलेंगे तो फाइनल टीम और जो भी अपडेट आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कीपिंग सेक्शन से देखा जाए तो एच किशोर अच्छा कीपर है, ठीक है, बात यह है कि ये बैटिंग के लिए टॉप ऑर्डर में आते हैं तो इसे रखना सही रहेगा। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जो टॉप 8 में आए, तो चलते हैं AEC की तरफ, अलमुल्ला एक्सचेंज CC। इस टीम में देखो कीपिंग सेक्शन में कोई नहीं है, ठीक है, जे विल्सन खेलेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे। और आते हैं बैटिंग सेक्शन में, राजेश कुमार टॉप ऑर्डर में बैटिंग को आते हैं, लेकिन जहां तक मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं इन्हें, मतलब रखो कि 10 मैच में से एक ही मैच में अच्छा करते हैं। सल्दाहना दूसरे मैचेज में बिजी हैं, अगर खेलेंगे तो इम्पोर्टेंट होंगे। सुब्रमण्यम इस टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडर कह सकते हो, बैटिंग तो टॉप पे करते ही हैं और बॉलिंग के लिए 1-2 ओवर इन्हें मिल जाता है, लेकिन उसमें विकेट मिल जाता है कभी कभी। ए भी नज़ार अगर खेलेंगे तो बिल्कुल टीम में होंगे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। और रेजी ये भी अच्छा एक ऑलराउंडर है, वैसे यहाँ टीम 11 पे दिखा रहा है सिर्फ बैट्समैन, लेकिन कभी कभी 1-2 ओवर बॉलिंग डाल लेता है। यहाँ से आ जाओ तो इनका सबसे अच्छा ऑलराउंडर, इन्हें बिल्कुल टीम में रखना है, ठीक है, संतोष कुमार सर्वनंद 4.5 ओवर ये पूरे अपने डालेंगे। जॉन अभी फॉर्म में नहीं है, पहले अच्छा खेलते थे, और ऑलराउंडर सेक्शन में कुछ खास है नहीं, तो सारे मतलब बॉलर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो भाई लाइन से सबको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी विग्नेश भी अच्छे हैं, तो या तो मतलब आप इनके बॉलर मजबूत करो या तो उनके, दोनों टीम में से एक के जिनकी पहले बॉलिंग आएगी कोशिश करना उनके सारे बॉलर लेने की, मैच यही होगा। तो अगर टॉप के 8 प्लेयर की बात करें तो फिलहाल यहाँ से आप एस चंद्रा को कम कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से शेरों को कम कर सकते हो। तो ये हो गए आपके टॉप के 8 प्लेयर, ये 8 प्लेयर हर टीम में होने चाहिए, चाहे ग्रैंड लीग बनाओ, 10 टीम बनाओ, 20 टीम बनाओ, स्मॉल लीग बनाओ, ये 8 प्लेयर फिक्स रखना। कोई नया खिलाड़ी खेलेगा तो उसके अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 8 प्लेयर का स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो अभी के लिए जो फाइनल टीम मतलब डेमो टीम बनाते हैं, तो डेमो टीम में यहाँ पे आपके पास फारूक को लेके चल देते हैं। फिलहाल के लिए ये डेमो टीम है, जो भी अपडेट होगा वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर कैप्टनसी की बात करी जाए तो एस कुमार सर्वनंद से अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता कोई, और यहाँ से एन राजेंद्र मतलब ये चार जो हैं, ठीक है, ये चार पांच, ये 5 प्लेयर कैप्टनसी के सबसे टॉप पे आते हैं। विग्नेश कुमार विग्नेश वरन भी बहुत अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन हैं, तो आप इसमें से किसी को बना सकते हो, ठीक
ठीक है, फिलहाल के लिए ये टीम बन रही है डेमो। जो भी अपडेट होगा व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।